भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस टीम में दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है, जबकि रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसमें विराट कोहली का नाम नहीं है, यानी कि विराट कोहली को बाहर रखा गया है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया है। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया है कि विराट कोहली को किस वजह से बाहर रखा गया है, उनकी फॉर्म के कारण या उनकी इंजरी के कारण। लेकिन T20 की जो टीम सामने आई है उसमें विराट कोहली का नाम नहीं है। तो टीम इस प्रकार है, हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे। इसके बाद रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है सूर्य कुमार यादव का, जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और इस सीरीज़ में दीपक हुड्डा को मौका मिला है खुद को प्रूव करने का। क्योंकि विराट कोहली बाहर हैं तो श्रेयस अय्यर को भी इस T20 मुकाबले में मौका मिल गया है और दिनेश कार्तिक को भी इसमें जगह दी गई है दोस्तों, और हार्दिक पांड्या तो हमारे वन ऑफ द फेवरेट हैं ही, उन्हें भी मौका मिला है। वन ऑफ द फेवरेट रविंद्र जडेजा को भी इस स्क्वाड पे रखा गया है और अक्षर पटेल को मौका मिला है, जिनकी वापसी हुई है इस मुकाबले में, और रवि विश्नोई को भी मौका मिला है, जो कि एक अच्छे प्लेयर के रूप में हैं, और फास्ट गेंदबाज आवेश खान को मौका मिला है, और इस सीरीज़ के लिए हर्षल पटेल का भी चयन हुआ है। क्योंकि इस सीरीज़ में फास्ट गेंदबाज बुमराह नहीं है तो हर्षदीप को भी मौका दिया गया है। और दोस्तों इस लिस्ट में KL राहुल और कुलदीप यादव का भी नाम शामिल किया गया है, जो कि अपनी इंजरी से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर वो दोनों फिट हो जाते हैं तो उन्हें वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए उनको टिकट ज़रूर मिलेगा और वो ज़रूर जाएंगे वेस्ट इंडीज़। दोस्तों ना तो इसमें उरमान मलिक का नाम है और ना ही मोहम्मद शमी, जो कि एक शॉकिंग न्यूज़ है। और हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस टीम का चयन किया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली को अभी बाहर रखा गया है। विराट कोहली T20 खेलते हुए पिछले मुकाबले में इंजर्ड हुए थे। तो दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेलेगी, और आपको क्या लगता है, क्या इंडिया यह सीरीज जीत पाएगी या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताएँ। तो दोस्तों पहला T20 मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा, वहीं दूसरा T20 मुकाबला जो है 1 अगस्त को खेला जाएगा, जो कि वेस्ट इंडीज़ में ही होगा, और तीसरा T20 मुकाबला 3 अगस्त को खेला जाएगा, और चौथा 6 अगस्त को खेला जाएगा, और पांचवा मुकाबला लगातार 7 अगस्त को खेला जाएगा। दोस्तों सब वेस्ट इंडीज़ दौरे पर होगा।